मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एमीन्स। यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप एमीन को हम लोग किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, एमीन्स कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर फॉर एमीन कंपाउंड। तो अगर हम लोग बात करते हैं एमीन्स की, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड NH2। अगर ऐसा हो कि NH2 ग्रुप एक एल्काइल के साथ लग रखा है, यहां पर R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप के साथ अगर सिंगल बॉन्ड NH2 लगा है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन। अगर ऐसा हो कि NH2 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, उसकी जगह पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, यानी कि अब की बार हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। अगर ऐसा हो कि हमारे पास NH2 ग्रुप में से दोनों ही हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और नाइट्रोजन के हर तरफ पर एल्काइल ग्रुप लग जाए, यानी कि मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि तीन वहां पर एल्काइल ग्रुप का अगर फॉर्मेशन हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्शरी एमीन। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ एमीन, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमीन। अगर हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर अगेन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यहां पर अगर हम लोग करते हैं कॉमन नेमिंग में आर के लिए यूज होता है एल्काइल ग्रुप और NH2 के लिए लगेगा एमीन, तो नाम क्या बन जाएगा एल्काइल एमीन। यहां पर आपने ध्यान रखना है कॉमन नेमिंग के अंदर अगर कंडीशंस सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH या फिर सिंगल बॉन्ड C, ऐसे ही सिंगल बॉन्ड NH2, NH या N, ऐसी कंडीशन लगती है तो N आइसोमियो, इन कंडीशन में हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो अगेन IUPAC नेमिंग में एल्काइल को हम लोग क्या लिखते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड क्या बन जाएगा एल्केन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन, साथ में हम लोग लगा देंगे एमीन। अब आपने क्या रखना है एमीन का ए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ई को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, नाम क्या बन जाएगा एल्केन अमीन, एल्कीन अमीन, एल्काइन अमीन। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग करते हैं एमीन के। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास पहला कंपाउंड है CH3 CH2 NH2। अगर हमें करना है इसका कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग देखिए ये स्ट्रेट चेन है, दो नंबर ऑफ कार्बन है, दो कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथाइल। और अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर इथाइल कौन सी फॉर्म में है, तो सब स्ट्रेट चेन है, सिंगल बॉन्ड CH2 फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग यहां पर N लगा सकते हैं, यानी कि नाम क्या बन जाएगा N इथाइल, NH2 पे क्या लगेगा एमीन, नाम बन जाएगा N इथाइल एमीन। अगर हम लोग बात करते हैं इसके IUPAC नेमिंग की, दो नंबर ऑफ कार्बन है यानी कि F, सिंगल बॉन्ड है यानी कि A प्लस, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं एमीन की नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2, पहले कार्बन का है NH2, यहां पे आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं चाहे नहीं लिखिए, वो दोनों ही सही माने जाएंगे 1 amine। अगेन एमीन में ए आ रहा है तो एन का ई हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, नाम क्या बन जाएगा इथेनामीन या फिर इथेन 1 amine या फिर 1 ethenamine, इन तीनों में से कोई भी नाम आप लोग IUPAC में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहां पर हमारे पास ये चेन है और NH2 ग्रुप जो है वो हमारा मिडिल पोजीशन पे जुड़ रखा है, यहां कौन सा फंक्शन ग्रुप लग रहा है सिंगल बॉन्ड CH। मैंने आप लोगों को सिखा था जब भी कभी हम लोग कॉमन नेमिंग करें और वहां पर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ऐसी कंडीशंस आ जाए तो N आइसोमियो का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आइसो कंडीशन होती है, यहां नाम बन जाएगा आइसो, तीन नंबर ऑफ कार्बन है, तीन नंबर ऑफ कार्बन के लिए प्रॉप, साथ में जुड़ जाएगा YL, नाम क्या बनेगा आइसो प्रोपाइल, और NH2 के लिए क्या बन जाएगा एमीन, नाम बन जाएगा आइसो प्रोपाइल एमीन। अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2, 3,
सेकंड पर है एनएच टू, यहां पर तीन नंबर ऑफ कार्बन है, नाम क्या बनेगा, प्रॉप प्लस सिंगल बॉन्ड है एन प्लस टू पर एमी। अब अपने ध्यान रखना है ई को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, नाम क्या बनेगा, प्रोपेन टू एमीन या फिर टू प्रोपेन एमीन, ये भी नाम बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां हम लोग जब नॉमेनक्लेचर कर रहे थे कार्बन की चेन स्ट्रेट थी, लेकिन यहां पर क्या है कि कार्बन की चेन ब्रेक हो रही है, एक चेन ये है एक चेन ये है। तो हम लोग यहाँ पर जब कॉमन नेमिंग करेंगे और जब आगे किसी नेमिंग करेंगे, आपने ध्यान रखना है यहाँ दो चेन है, दो चेन के लिए हम लोग नंबरिंग अलग से करते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर एक चेन एक कार्बन की है, एक चेन दो कार्बन की है। जब हम लोग कॉमन नेमिंग करेंगे नाम क्या होगा, मिथाइल इथाइल। अब उसको अल्फाबेट में सही करेंगे तो नाम क्या बन जाएगा, इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है एम से, मिथाइल एमी, ये बना इसका कॉमन नेम। अगर बात करते हैं आईओपीएसी नेमिंग की, तो आईओपीएसी नेमिंग के लिए हम लोग पहला रूल एज इट इज रखेंगे, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये बन रही है, इसका नाम है इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ है तो बन जाएगा इथेन, और ये है एमीन, तो इथेन एमीन। मैंने यहां पर ई पहले से ही काट दिया है, लेकिन यहां पर हमने जो ये साइड चेन में बैक है इसको ऐड नहीं करा, इसके लिए हम लोग कोई नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये एन से जुड़ रखा है। हम यहां नाम के आगे लिख देंगे एन मिथाइल इथेनामीन। तो यहां पर मैं प्रूव क्या कर रही हूं कि जब भी कभी चेन के अंदर नाइट्रोजन पर डायरेक्टली अटैचमेंट होता है कार्बन का, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन वहां पर अटैच हो रखे हैं उनके नाम के आगे एन लगा देंगे। किस तरीके से, एग्जाम्पल और देखिए, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड है सी एच थ्री एन CH3। यहां पर कोई भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है क्योंकि तीनों के तीनों ही मिथाइल ग्रुप है। अब क्योंकि तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, हम लोग इनका नाम क्या लिखेंगे, इनका नाम हो जाएगा एन एन एन, क्योंकि तीन बार जुड़े हुए हैं और वन पर है। आप चाहे तो एन 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 कर लीजिए, वन लगा दिए बोलने के आगे, एन 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 ये हो जाएगा डाई मिथाइल मिथेनामीन। हम लोगों ने किसी भी एक कार्बन को, मैंने इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन को काउंट कर लिया है, इन दो को हम लोगों ने साइड चेन मान लिया है, नाम बन जाएगा एन एन डाइमिथाइल मिथेनामीन। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं एनीन्स का। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज बताऊंगी एनीन की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।